जी जैन साहब बताएं, पता चला आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है। मैं वाराणसी लखनऊ क्या जाके आ गया, आप मेरी तो लैंग्वेज आपने पूरा लहजा ही चेंज कर दिया अनिल अरे जी। बिल्कुल सर, जहाँ जिस मौके पे, जिस दिन, जिस माहौल में, जिस भाषा की जरूरत है वही बोलनी चाहिए। बताएं सर। आज तो अनिल जी मैं तो बोलूंगा पहले आप, फिर पहले आप। नहीं मूड नहीं ऐसा हो रखा कि आप तो जी स्टॉक्स देने में, एक्चुअली मैं मिड कैप स्मॉल कैप तो जनरली उनकी बारी थोड़ी लेट ही आती है, बट येट मुझे जो स्टॉक ठीक लगा वो जनरली हमारा मूड ठीक जो करता है, और मूड ठीक करता है टूरिज्म, और बाहर जाते हैं और हमने देखा भी सारे, मैं तो टूरिज्म से आ रहा हूँ, बंसल जी आ रहे हैं, सब लोग आजकल थोड़े बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड, मिड वीक, और सब में हॉलीडेज मिलती है तो लोग फायदा उठाते हैं। और वैसा ही एक स्टॉक है, होटल स्टॉक्स तो मैंने बहुत सारे दिए ही थे, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, बट दिस टाइम आई एम कमिंग अप विद अ लगेज स्टॉक दैट इज सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अनिल जी ये स्टॉक मैंने बहुत निचले लेवल से, हमारी जो पुरानी पारी है वहां दिया था, आपको भी याद होगा, मतलब तब तो मैं 300 रुपये 400 रुपये, मतलब बहुत ही छोटी मार्केट कैप में थी, वहां से तो मल्टीबैगर बन चुका, बट अभी भी सबसे बढ़िया बात है कि ये स्टॉक अभी मार्केट लीडर है। वीआईपी इंडस्ट्रीज की भी बात चली थी अभी सेल की, और वहां पे जिस भाव पे चल रही थी उसके बाद ये स्टॉक को मैंने टीवी पे ही यहाँ पे रेकमेंड किया था, और वहां से भी अच्छा खासा चल चुका है, बट येट ऊपर के लेवल से 2700 के लेवल से जब करेक्ट होके 2300 के लेवल्स पे आता है, 2200 2250 के लेवल्स पे आता है, तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि इट्स अ माउथ वाटरिंग लेवल, बट येट मैं यही बोलूंगा कि मार्केट इस तरीके के हैं, आपको थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक 2200 कैन बी अ गुड रेंज जहां पे थोड़ी एंट्री ली जा सकती है, मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग करने की राय दी है, तो इसलिए 2730 2790 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदे ऑन डिप्स, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैंने लगेज का बोला, सॉफ्ट लगेज, हार्ड लगेज, ये सारा ये लोग कंपनियां बनाती है, बहुत ही जबरदस्त इनफैक्ट कंपनी है, 1974 से कंपनी कार्यरत है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और स्कूल बैग्स, लैपटॉप, बैकपैक्स और ये सारी चीजें बना रही है, और अलग अलग प्रोडक्ट इनोवेशंस भी करती रहती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और आज अगर मैं चैनल चेक से बात कर रहा हूँ, आपने चैनल चेक की बात कही अनिल जी, जब भी बाहर जाते हैं और आप एयरपोर्ट के अगर उस पर लगेज में देखते हैं तो अच्छा खासा मार्केट शेयर लोग ग्रैब कर रहे हैं, धीरे 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 इनकी ये बढ़ती जा रही है, तो मैं यही बोलूंगा अच्छा खासा इनका B2B B2C ई कॉमर्स और ये सारे के थ्रू ये लोग माल बेचते हैं, एंड रीजन इस बार वापस से लेने का ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स विच आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड आगे आने वाले दिनों में, इस बार टॉप लाइन बहुत बढ़िया थी बट मार्जिन गिर के आए, बट टॉप लाइन बढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट मार्जिन से, एक बार ठीक है कई बार रॉ मटेरियल की कॉस्ट और ये सब की वजह से थोड़ा बहुत गिरावट आता है और इनोवेशन की वजह से भी, बट मुझे आगे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी बढ़िया करेगी, और इस लेवल पे अट्रैक्टिव है और 2730 2790 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो बाजार का मूड खराब हो आप छुट्टी पे निकल जाएं सफारी इंडस्ट्रीज के सूटकेस में सामान भर के, बट जोक्स अपार्ट, जैन साहब के जेम सफारी इंडस्ट्रीज 2730 2790 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। जैन साहब हमारे साथ अभी